तो नॉर्मल वाटर में मोकलो, नॉर्मल वाटर में प्राइस है 150 रुपीस जी। सब भाई नो पानी पीने पेट पूरो हम के आ बोतल तो 100-150 और साथ में हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं फ़िलहाल अपने कॉलेज आया था। आज यूथ पार्लियामेंट का थर्ड दिन है, संडे है। आज कॉलेज शांत शांत है एकदम। अभी मैं लंच के लिए वापस जा रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर में, मतलब आपके लिए तो हो ही गया होगा, अभी थोड़ी देर में मेरा जो मैराथन वाला व्लॉग है वो रिलीज़ होने वाला है। अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो चाहो जाके देख लो, ये आई बटन पर मैं लिंक डाल दूंगा, और जल्दी से जाके देखो और कमेंट करो कि कैसी एडिटिंग है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स और अच्छे खासे साउंड्स ने मतलब म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला है उसको एडिट करते समय। तो जाओ जाके पहले वो देखो, फिर ये पहले ये वीडियो कंटिन्यू करो, फिर जाके वो देखना, ये आई बटन पे क्लिक करके। अपने रूम पर वापस आ चुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट थोड़े बहुत फ़ोटोज़ खींच ही लिए थे, और मेन इवेंट अभी 5 बजे शुरू होने वाली है। अभी बज रहे हैं कितने, 4:07, तो मेन इवेंट अभी 5 बजे शुरू होगी, वो है क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी ख़त्म करने के बाद मेरे को मेरा वर्कआउट और रनिंग भी करने का है, और फिर आज तो कुछ प्लान वैन है नहीं बाहर कहीं जाने का, बिकॉज कल तो थी वो मैराथन किया, फिर रात को आके मैंने डायरेक्ट थोड़ा आराम किया, फिर मैंने फ्रेंड्स के साथ, मैं पहले तो नीचे डिनर करने गया, फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए हुए भी नहीं। आज कुछ ऐसा कुछ प्लान शायद ना बने, या फिर बन भी जाए, क्योंकि आज क्षितिज और जो सौम्य है वो लोग अभी ऑटो एक्सपो में गए, मतलब कार्स का कोई एक्सपो है ऑटोमोबाइल का, अच्छा खासा उन्होंने स्टोरीज वोरी स्नैप में देख रहा हूँ, रोल्स रॉयस और वो सब कार्स आई है, तो वो लोग वहाँ पे गए। मैं मेरे यूथ पार्लियामेंट के कवरेज में बिज़ी हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं वो रूम पे आया हुआ, एक काम था इसलिए, और अभी वापस मैं जाऊँगा। बाकी 17 दिसंबर से डेली रनिंग करने की वजह से मैंने कल एक स्ट्रेच में 7 किलोमीटर कंप्लीट किया पहली बार, तो मेरे को आज कुछ शरीर में कुछ ऐसा भारी भरकम कुछ फील नहीं हो रहा है कि ये पैर दर्द कर रहे हैं, वो मेरी कमर जो है वो पीछे से थोड़ी सी स्ट्रेच होने में दर्द करती है, क्योंकि वो तो होता ही है, क्योंकि मैंने पहली बार 7 किलोमीटर ऊपर किया, लेकिन जब मैं हर बार 5 किलोमीटर करता हूँ महीने में तो तब मेरे को उतना दर्द होता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत मैं कंसिस्टेंसी डेली रेगुलर करता हूँ ना, किया ना मैंने इस बार, तो मेरे को इस बार पोस्ट रिकवरी भी शायद जल्दी हो गई होगी, आई डोंट नो क्या है वो सीन लॉजिक साइंस, लेकिन सही है मेरे को कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है, पेन फील नहीं हो रहा है, और आज भी मैं उस हिसाब से अपना वर्कआउट कर सकता हूँ। मैं हमेशा मेरा वर्कआउट की इंटेंसिटी में लो ही रखता हूँ, मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता हूँ, और पहले करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को अभी कम में ही मज़ा आता है। कम करो लेकिन डेली करो, ज़्यादा करो और सिर्फ महीने में 4 दिन करो, ऐसा नहीं जमता मेरे को। बाकी हमारे बेस्ट फ्रेंड क्रुणाल का बिल्कुल उल्टा है, वो पिछले 6 महीने से रेगुलरली जिम जा रहा है, और वो वर्कआउट करता है एकदम हाई इंटेंसिटी पे, और उसकी जो इंटेंसिटी है जो मैंने देखी है पिछले एक साल से लेके 6 महीने तक, भाई साहब उसका वर्कआउट माँ कसम, उसको सही में सैल्यूट है। उसकी बॉडी ना इधर से इधर तक का जो उसका ग्रोथ है वो मेरे को दिख रहा है, उसके लेग्स में मेरे को ग्रोथ दिख रहा है, उसका थोड़ा सा पेट बाहर आ गया लेकिन उतना नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका पूरा अपर बॉडी एनहांस्ड है, और एकदम जो पतला सर का जो क्रुणाल था ना पहले, अभी वो बॉडी बिल्डर क्रुणाल हो गया है, और एकदम भाई साहब ने बॉक्सिंग शुरू की है, पीछे से मेरे को वो क्रिस इवांस ही लगता है, कैप्टन अमेरिका वाला। सो ये चीज़ है, मतलब आप अपना जो गेम है वो डिसाइड करो, क्रुणाल का गेम वो है तो वो हाई इंटेंसिटी रखता है, और मेरा गेम ये है कि मैं लो इंटेंसिटी रखता हूँ, सो आप अपना गेम डिसाइड करो फिटनेस की जर्नी में, आप दूसरों के ऊपर मत निर्भर करो कि वो क्या बोलेगा आपको और वो क्या कर रहे हैं आपको, आप सब चीज़ें एक्सपीरियंस करो और फिर ही आपको आएगा कि अच्छा मुझे क्या करना है। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ इस बाबत में, मेरी जर्नी अभी मैंने कहा, मतलब
एक साल से मैं रेगुलरली अगर फिटनेस में कुछ थोड़ा बहुत मैंने मेरा योगदान दिया है मेरे लिए, सो इतना ही है, लेकिन इतना मैं सीखा हुआ एक साल से, सो ये चीज़ है। जो भी करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कंसिस्टेंटली करना फिटनेस में, तभी आपको मज़ा आएगा और तभी आपको लगेगा कि नहीं यार आज डे ऑफ नहीं करना है, मेरे को करना है। ताव वाव और मतलब फीवर वीवर वाले दिन को साइड पे रख के कंसिस्टेंसी रखना फिटनेस में। बाकी अभी वापस कॉलेज आ चुके हैं, क्लोजिंग सेरेमनी कवर करनी है यूथ पार्लियामेंट की, और यहाँ पे क्रिकेट विकेट चल रहा है, बाकी वहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा है सीधा जाओगे सामने तो। और ये है हमारा ई ब्लॉक SOT का बिल्डिंग, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये है हमारा वाला बिल्डिंग स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़ SLS डी ब्लॉक। और आज एक चकला भी नहीं फर्क रहा है कॉलेज में, मतलब चकला मतलब बर्ड्स तो है लेकिन मतलब संडे को कोई दिखेगा नहीं, मतलब शांत शांत रहेगा। संडे एक संडे मैं प्रॉपर आऊँगा और पूरा कॉलेज का वीडियो बनाऊँगा, ऐसा मैंने सोचा था जब मैं आया था तब, अभी तक बनाया नहीं है तो वो एक दिन ज़रूर बनाऊँगा। ये लास्ट सेम है और अभी नहीं बनाया तो फिर टाइम नहीं मिलेगा वीडियो प्रॉपर कॉलेज का वीडियो बनाने का, सो लास्ट सेम में वो एक चीज़ पेंडिंग है, अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में याद दिला देना। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज रन, आज पता नहीं कौन सा दिन है, आज मैं डेट बता रहा हूँ आप लोग को, डेट नोट कर लो 4th February। मैंने 17th December से डेली रनिंग करना शुरू किया था, आज कौन सा दिन है वो आप मिल लो ठीक है। और बस आज 2 किलोमीटर दौड़ा मैं और अभी थकान नहीं लगती मेरे को किलोमीटर्स 1 to 2 किलोमीटर्स में, थकान जब लगती है तब वो 3 किलोमीटर्स के बाद शुरू होता है। तो नॉर्मल वाटर में वो करो, नॉर्मल वाटर में प्राइस है 150 रुपीस जी। सब बहनों पानी पीने पेट पूरो हम क्या बोतल तो 100-150 वर्ष आ चुकी रहा ये नीले कही रहे थे उनका कही 70 रुपया नहीं बोतल नहीं थी GMD में ली थी थी सांच भी रही की थी आती बड़ी शॉप में आ गया परफ्यूम परफ्यूम नहीं को चका चकती है वॉच ओमेगा ओमेगा जो है जिको मैन को जो है ये कॉपी जिको मैन को नहीं वॉच जो है नहीं एक एवरेज मॉडल है चाचा नहीं पर एक तो एंट्री लेवल मॉडल है 50-60 लाख ना पर टाइम बस करो बजे जे 50-60 लाख में लोग राखे से विचार है अहमदाबाद ओमेगा थी बाकी तो मुझे बुक पर ऑर्डर देने ले। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, स्टे सेफ टेक केयर, बाय बाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बाय बाय।